किसने किया था बता दें? बंद का ऐलान हयाज जफर हाशमी ने किया था, ठीक है। उसके बाद कमिश्नर साहब का कॉल आया उनके पास, कमिश्नर साहब ने उनको ऑफिस बुलाया और उनसे कहा, वो भी फेसबुक पे है, उनसे उन्होंने ये बात कही कि देखिए योगी जी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, आप इसको कैंसिल कर दीजिए प्रोग्राम को। उन्होंने कहा ठीक है मैं कैंसिल कर दूंगा, उन्होंने उनको लिखित में दे दिया, बाहर आके मीडिया को स्टेटमेंट दे दिया, कमिश्नर को लिखित में दिया। जी 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 जी। अच्छा ये बताइए जी, जब पोस्टर छप गए थे क्या वो बंद फिर बंद कैसे हो? नाम क्या था? मिसेस हयाज जफर हाशमी। लेकिन फिर कैसे बंद का जुलूस किसने निकाला? जुलूस नहीं था, कोई जुलूस नहीं था। पुलिस का कहना है, क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि खाना नमाज के जुमे के नहीं, नहीं जुलूस नहीं था। देखिए ये गलत है, जुलूस नहीं था, जुलूस नहीं था, जुलूस नहीं था। हम बता रहे हैं आपको ज्यादातर नॉर्मल अजाने जो होती नमाजें जो होती हैं वो 12 और 1 के बीच में होती हैं। परेड की नमाज सब लोग जानते हैं कि देर सबसे देर में होती है, 2 से 2:30 बजे के बीच में होती है परेड की नमाज। हाँ आ रहे हैं, हाँ हाँ मैं हाँ नमाज ये 12, 12:30, 1 बजे के बीच में नमाज पढ़ के, मैंने घड़ी नहीं देखी थी लेकिन 1 बजे के अंदर ही घर पे आ गए थे नमाज पढ़ के, उसके बाद से घर से नहीं निकले। अच्छा सिर्फ एक सवाल, जब वो पूरा विवाद, लेकिन ये विवाद सुनिए, घर पे आपको साक्ष्य कॉल रिकॉर्ड से निकल सकता है कि वो कहाँ पे थे? लोग कहते हैं लोकेशन आ जाएगी ना। सुनिए कोई स्टेटमेंट मेरा गलत साबित नहीं होगा, मैं लिखित दे सकती हूँ, आप दे सकते हैं, लिखित दे सकते हैं। गिरफ्तार कर लिया गया लखनऊ में शायद जफर को, जफर जी ने बंद का आह्वान किया था जी, सुन रहे हैं अभी कंफर्म नहीं है।